फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आर्लान, यानी कि एक्रिलिक। पॉलिएस्टर का हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके तंतु के प्रकार, विशेषताएं, सब कुछ। वो पॉलिएस्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आर्लान। आर्लान जो है वो भी एक पॉलीमर रेशा है और यह प्लास्टिक का ही एक प्रकार है। जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसके अनुसार 85% वजन का कम से कम 85% एक्रिलानिटिल इकाइयों का जो बना होता है वो संश्लेषित पॉलीमर के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का रासायनिक यौगिक के द्वारा बनाया गया पॉलीमर रेशा जिसकी कुछ विशेषताएं समान हो, वो सभी संश्लेषित पॉलीमर रेशे के अंतर्गत आती हैं। ओके? इस वर्ग में आने वाला जो तंतु होता है वो विशिष्ट रासायनिक संगठन, परमाणु संरचना, भौतिक रूप और उत्पादन की विधि में अंतर होता है। सिर्फ उसके जो भौतिक निर्माण होता है, उसकी संरचना होती है, उसका संगठन होता है, बस उसके निर्माण की जो विधि होती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन जितने भी रासायनिक यौगिकों के द्वारा निर्माण किया गया रेशा होता है वो सभी पॉलीमर, संश्लेषित पॉलीमर रेशा के अंतर्गत आता है, ऐसा फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा कहा गया है, माना गया है। ठीक है, ये संश्लेषित पॉलीमर रेशा है जो एक्रिलिक है, आर्लान है, उसको हम लोग संश्लेषित पॉलीमर रेशा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्रिलिक का इतिहास। जर्मनी में सर्वप्रथम सन 1893 में मोरियो द्वारा स्पष्ट द्रव एक्रिलानिट्रिल की खोज की गई। एक्रिलानिट्रिल की खोज मोरियो द्वारा जो किया गया वो केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा, आगे न बढ़ सका। फिर कुछ समय के बाद सन 1920 के बाद जर्मनी के कुछ वैज्ञानिक जो थे वो पुनः रुचि लिए किसमें, डॉक्टर कैरोथर्स द्वारा लीनियर सुपर पॉलीमर जो बनाया गया था उस पर फिर से रिसर्च स्टार्ट किया। और ड्यूपॉन्ट ने फिर एक्रिलिक तंतु का विकास 1944 में कर दिया। यानी कि ड्यूपॉन्ट जो थे जर्मनी के ही वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1944 में एक्रिलिक तंतु का विकास किया, एक्रिलिक तंतु का निर्माण किया और फिर उसको व्यावसायिक उत्पादन की दृष्टि से 1950 में प्रारंभ कर दिया। यानी कि वो तंतु का निर्माण 1944 में हुआ और उसको व्यावसायिक दृष्टि से मार्केट में जब उतारा गया तो 1950 में उतारा गया। इस प्रकार से जब ये व्यवसाय के लिए उतारा गया तो उसका नाम एक्रिलिक से बदल करके आर्लान रख दिया गया। पचास में व्यवसायिक दृष्टि से उसका उस तंतु को बनाया जाने लगा आर्लान, फिर इस तंतु का व्यवसायिक नाम आर्लान रख दिया गया। ड्यूपॉन्ट कंपनी के बाद केमिस्ट कॉर्पोरेशन के अन्य एक्रिलिक तंतु का विकास किया गया जिसे एक्रिलान नाम दिया गया। इसका उत्पादन 1952 में शुरू हुआ। सन 1958 में अमेरिका साइनेमिड कॉर्पोरेशन ने अपना स्वयं का एक्रिलिक तंतु का उत्पादन किया जिसे क्रिस्लान नाम दिया गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो मोरियो ने जिस स्वेद तंतु का निर्माण किया वो तो केवल प्रयोगशाला में ही रह गया, लेकिन जो डॉक्टर कैरोथर्स का जो पॉलीमर रेशा बनाया गया था उस पर और भी शोध कार्य किए गए। तो ड्यूपॉन्ट ने 1944 में आर्लान का आविष्कार किया, फिर इस पर अन्य लोगों ने प्रयास किया तो अन्य कंपनियों ने, जैसे कि केमिस्ट कंपनी जो थी उन्होंने जब इसको इसका निर्माण किया इस तंतु का तो उन्होंने एक्रिलान नाम दिया। फिर अमेरिका कहाँ से पीछे रहने वाला था, अमेरिका तो वैसे ही अपना उसका सब कुछ अपना ही मतलब वो करता है व्यवसायिक दृष्टि से, तो उसने जब इसका विकास कार्य किया, इसका निर्माण किया अमेरिकन साइनेमिड कॉर्पोरेशन की कंपनी ने, तो इन्होंने अपना स्वयं का नाम दिया, वो नाम था क्रिस्लान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक्रिलिक तंतु है उसका नाम आर्लान ड्यूपॉन्ट द्वारा रखा गया। फिर आगे चल के जो केमिस्ट्रेट कॉर्पोरेशन के कंपनी थी उन्होंने जब एक्रिलिक तंतु का आविष्कार किया तो उन्होंने इसका नाम आर्लान से बदल कर एक्रिलान कर दिया। और जब अमेरिकन
कॉर्पोरेशन ने इसका आविष्कार किया इस तंतु का, तो इस एक्रिलिक का नाम बदल करके क्रिस्लॉन रख दिया। तो इस प्रकार से इसको तीन नामों से जाना जाने लगा, आर्लॉन, क्रिस्लॉन और एक्रिलॉन। नेक्स्ट देखेंगे आर्लॉन के निर्माण की विधि। आर्लॉन एक्रिलिक रेजिन निर्माण जटिल रासायनिक संश्लेषण का ही एक परिणाम है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसके निर्माण की विधि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा करी जाती है। तो इसको सबसे पहले इथाइलिन को क्लोरस एसिड से क्रिया कराया जाता है, तो क्लोरोहाइड्रिन निर्मित होता है। जब क्लोरोहाइड्रिन निर्मित हो जाता है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है और उससे इथाइलिन ऑक्साइड निर्मित होता है। इथाइलिन ऑक्साइड निर्मित होने के बाद उसमें हाइड्रोसायनिक एसिड मिलाया जाता है और हाइड्रोसायनिक एसिड मिलाने के बाद वह हाइड्रो एल्कोहल निर्माण हो जाता है, यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड में हाइड्रोसायनिक एसिड जब मिलाया जाता है तो वो साइनो एल्कोहल निर्मित हो जाता है। साइनो एल्कोहल निर्मित होने के बाद उसको डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे एक्रिलोन्यूट्रिल तैयार होता है। एक्रिलोन्यूट्रिल को पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई जाती है। पॉलीमराइजेशन की क्रिया होने के बाद उसमें से पॉली एक्रिलो न्यूट्रल रेजिन का निर्माण होता है, यानी कि वो पॉली एक्रिलो न्यूट्रल रेजिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद से वो एक पॉलीमर लीनियर सुपर लीनियर पॉलीमर के रूप में तैयार होता है और फिर उसका एक घोल बनाया जाता है और घोल को स्पिंडरेट के छिद्र से बाहर निकाल करके आर्लान का तंतु तैयार कर लिया जाता है, धागा निर्मित कर लिया जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। जो इथाइलिन है इसको क्लोरस एसिड से क्रिया कराया जाता है। जब इथाइलिन का हाइपोक्लोरस एसिड के साथ क्रिया करा दिया जाता है तो वो हाइड्रिन निर्मित होता है। जब क्लोरोहाइड्रिन निर्मित हो जाता है तो उसको उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया जाता है, प्रतिक्रिया कराया जाता है। जब क्लोरोहाइड्रिन से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिक्रिया कराया जाता है तो वो इथाइलिन ऑक्साइड के रूप में निर्मित हो जाता है। जब वो इथाइलिन ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हाइड्रोसायनिक एसिड उसमें मिला दिया जाता है और हाइड्रोसायनिक एसिड मिलाने के बाद वो साइनो एल्कोहल के रूप में निर्मित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हाइड्रोसायनिक एसिड मिलाने के बाद वो साइनो एल्कोहल में निर्मित हो जाता है। जब साइनो एल्कोहल में निर्मित हो जाता है तो उस पर डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कराई जाती है। डिहाइड्रेशन की प्रतिक्रिया के बाद वो एल्किलो न्यूट्रिल के रूप में तैयार हो जाता है। एल्किलो न्यूट्रिल के रूप में तैयार होने के बाद उस पर पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराई जाती है। पॉलीमराइजेशन की क्रिया कराने के बाद वह पॉली एक्रिलिक रूप रेजिन में परिवर्तित हो जाता है। जब पॉली एक्रिलो निटर रेजिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो एक लीनियर सुपर पॉलीमर बन जाता है। जब लीनियर सुपर पॉलीमर के रूप में बन जाता है तो उसको पिघलाया जाता है, पिघला करके स्पिंडरेट के छिद्र द्वारा निकाल करके और आर्लान का तंतु अथवा धागा को तैयार कर लिया जाता है। तो ये है इसके निर्माण की विधि, निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है एक्रिलिक अथवा आर्लान की परिसज्जाएं। तो जिस प्रकार से नायलॉन और पॉलिएस्टर पे परिसज्जाएं दी जाती थी, एंटी स्टैटिक परिसज्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति को कम करने के लिए दिया जाता है। ताप स्थिरीकरण स्थायी आकार देने हेतु ताप स्थिरीकरण की परिसज्जा दी जाती है, जिसके द्वारा उस पे क्रीच और प्लेट आसानी से पड़ सके। जल अवरोधक परिसज्जा जल के विरुद्ध उत्तम सुरक्षा है तो जल अवरोधक परिसज्जा दी जाती है आर्लान के वस्त्रों पे। तो ये सभी इसकी परिसज्जाएं रहेंगे। एक्रिलिक अथवा आर्लान की विशेषताएं।
सबसे पहले हम लोग इसकी अनुच्छेदीय रचना देखेंगे। अनुच्छेदीय रचना में अनुप्रस्थ काट जो है इसकी वो कुत्ते के हड्डी के समान होती है। गोल और फली के आकार वाले जो तंतु होते हैं उसका उपयोग कारपेट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें मुड़ने का गुण और कड़ापन प्रतिस्कंदता पाया जाता है। कुत्ते की हड्डी के आकार का होने के कारण इसमें नरमपन और चमक प्रदान होता है, जो कुत्ते के आकार की मतलब इसका इसको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से देखने के बाद ये इसकी जो संरचना होती है वो कुत्ते के हड्डी के आकार की होती है, और कुत्ते की हड्डी के आकार की संरचना होने के कारण इसमें नरमपन और चमक बना रहता है। नेक्स्ट है मजबूती। मजबूती में यह मध्यम रूप से मजबूत होते हैं। सभी प्राकृतिक तंतुओं से ये प्राकृतिक तंतु हैं वो उसमें ऊन को छोड़ करके बाकी सबसे ये कमजोर होते हैं, यानी कि ये ऊन से मजबूत होते हैं। और जो अन्य तंतु हम लोगों ने पढ़ा था, कपास, रेशम और लिलन, इन सभी से कमजोर होते हैं। ठीक है, संगठन 85% यह संश्लेषित पॉलीमर से बना होता है, और इसका भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रासायनिक संगठन द्वारा ये बना होता है। नेक्स्ट है चमक। चमक भी रेशम के समान होता है। ताप संवाहक, ताप का ये कुचालक माना जाता है। नमी अवशोषकता, नमी का इसमें अभाव पाया जाता है। प्रत्यास्था का अभाव पाया जाता है, किंतु प्रतिस्कंदता इसमें पाई जाती है। फफूंदी एवं कीट का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। धूप और प्रकाश का प्रभाव, तो धूप और प्रकाश से ये अप्रभावित होते हैं। क्षार का प्रभाव, तनु क्षार होता है उसके प्रति ये प्रतिरोधक माने जाते हैं। अम्ल का प्रभाव, कार्बनिक अम्लों के प्रति अति उत्तम माने जाते हैं। घोलक, शुष्क धुलाई से की जानी चाहिए। इसमें वैसे तो इसमें आसानी से जो गंदगी होती है वो नहीं बैठती है, लेकिन इस पर हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करके इसकी धुलाई करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शुष्क धुलाई का प्रयोग करना चाहिए। रंगों के प्रति सादृश्यता, रंगों के प्रति ये पक्केपन होते हैं, इसलिए इसके रंग उत्तम माने जाते हैं, यानी कि ये रंगों के प्रति उत्तम सादृश्य माने जाते हैं। ब्लीच का प्रभाव, तो इस पर क्लोरीन का बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस पर ब्लीच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घनत्व, इसका घनत्व 1.14 से 1.15 ग्राम सीसी होता है, जिसके कारण इसका वजन जो होता है वो उनसे हल्का होता है। एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्षार का जो प्रभाव होता है वो तनु के प्रति प्रतिरोधक होता है। अम्ल का प्रभाव, तो कार्बनिक अम्लों के प्रति ये अति उत्तम माने जाते हैं। घोलक, तो इसमें इसको शुष्क धुलाई का प्रयोग करना चाहिए। रंगों के प्रति उत्तम सादृश्य माने जाते हैं। ब्लीच में क्लोरीन का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और इसका घनत्व जो है वो 1.14 से 1.15 प्रति ग्राम सीसी होता है, जिसके कारण ये उनसे भी हल्के माने जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक्रिलिक अथवा आर्लान अथवा जेफ्रॉन अथवा एक्रिलिन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।